जनाब 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 वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैरियत से ओके जनाब, बड़ी स्पेशल ईद है ये, मीठी नहीं मीठी ईद है। और जाहिर है हम एक दूसरे को गोश्त देते हैं तोहफे में, कुर्बानी करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, एक सुन्नत है और इसको सबको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन There's something very wrong that we do. जब हम कुर्बानी कर लेते हैं, एक अच्छा फरीजा अदा कर लेते हैं, तो फिर हम सड़कों में मचाते हैं बहुत ज्यादा गंद। क्योंकि आप जब सड़कों से गुजरते हैं, आप देखते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं पड़ा होता, और हम समझते हैं कि अपने घर से साफ कर लो, साथ वाली प्लॉट में फेंक दो, सड़क पे फेंक दो, मोहल्ला गंदा हो गया, शहर गंदा हो गया। यार ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हमें ही साफ रखना है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक सुन्नत फॉलो कर रहे हैं तो एक और जगह पे बार बार कहा गया है कि सफाई नेस्त ईमान है। सो वी हैव टू कीप आर प्लेस वेरी क्लीन। ये किसी और की ड्यूटी नहीं, ये मेरी और आपकी ड्यूटी है। तो जनाब एंजॉय कीजिए, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए इस ईद पे, जरा इज्तनाब कीजिए, क्योंकि कोरोना दोबारा से थोड़ा सा फैल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह वी जस्ट होप वी प्रे एंड विश कि सब लोग खैर खैरियत से हैं। वैक्सीनेटेड ईद है, क्योंकि अगर आप लोग वैक्सीनेटेड हैं तो फिर फैमिली में मिलने जुलने का भी मजा आता है और तोहफे देने का भी मजा आता है। जनाब आप जानते हैं हम तो बड़ी प्यार मोहब्बत से तोहफे बांटते हैं, कुछ मुल्कों में परफ्यूम देना बड़ा बुरा समझा जाता है। वो क्यों? क्योंकि द रिसीवर थिंग्स कि शायद मेरे से बदबू आ रही थी, मुझे परफ्यूम दे रहा है या कलोन दे रहा है। अच्छा कुछ जगहों पे जूते देना बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि उनको लगता है हमें डिग्रेड किया जा रहा है जूते दे रहे हैं। और भी बड़ी चीजें जो आप अगर एक दूसरे को देते हैं तो प्यार बढ़ने के बजाय थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छा तोहफा है मोहब्बत का, और इस ईद पे तो कुर्बानी कीजिए और उन लोगों का ख्याल कीजिए जो डिजर्व करते हैं। आज हमने आपका ख्याल किया है और आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने बुलाए हैं आपके बहुत फेवरेट स्टार्स हमारे शो पे, जो कि बहुत जबरदस्त हैं, सुपर टैलेंटेड हैं, बहुत मजा आने वाला है, उनके साथ गपशप होगी। आपकी फरमाइश और ख्वाहिश पे इन लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन मिलवाऊंगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। और एक मतलब फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब बुलाते हैं हमारी पहली गेस्ट जो बहुत हसीन और जमील हैं। शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं, लेकिन एक्टिंग ज्यादा अरसे से नहीं कर रही, मॉडलिंग में आप इनको देखते रहे हैं। और गॉर्जियस लुकिंग गर्ल, जिसको असल में कहते हैं ना गॉर्जियस, ये वो हैं। शी इज वेरी ब्रेनी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, वेरी स्वीट, शी इज अ स्वीट हार्ट। प्लीज वेलकम राबिया बट। श्री रखिए राबिया, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक टू यू टू। थैंक यू वेरी मच। सर बट यूजुअली बड़े तगड़े होते हैं, तो आप तो बड़ी फिट मतलब हैं, सारी जिंदगी बड़ी दुबली, कोई खास वजह? मैं जेट भी हूँ। बट भी हूँ, जेट भी हैं, लीथल कॉम्बो है। तो एक तरफ से जट है और एक तरफ से बट है? नहीं, दोनों तरफ से ही हूँ, जो भी हूँ। आपको पता है आपके साथ कौन है दूसरे गेस्ट? क्योंकि आप उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि मैं राबिया के साथ आना चाहता हूँ, तो हम इंतजार कर रहे थे कि कब राबिया कराची में हूँ, तो फिर आपको मालूम है कौन है? अदनान भाई, सॉरी अदनान सिद्दीकी साहब जी। आप उनकी ईद खराब नहीं कर रहे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। हमारे सुपरस्टार जो किसी के भाई नहीं है, मेरे भाई हैं।
amazing actor, amazing person, super talented, and now he's a big producer also because drama to produce kar chuke hain, inki film bhi aa rahi hai, usme baat karenge. Lekin we seriously love this guy. Please welcome Adnan Siddiqui. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Please baithiye. Acha mujhe ye main soch raha tha ki aapne specially आपने राबे बट के कहा था ना कि इनके साथ बुलाएं तो बड़ा अच्छा जी रहेगा जी बिल्कुल शी इज द बेस्ट बट इन द टाउन शी इज द बेस्ट अच्छा शुक्र है शो पर आने की मेरे साथ बात की थी अच्छा जाने की नहीं की जाने ये But भी बोल नोइंग हिम शुक्र है शो पे आने की बात की थी मगर राबिया के साथ कौन नहीं आना चाहता जाहिर है इतनी प्यारी हैं इतनी हसीन और जमील हैं मॉडलिंग करती रही हैं बकायदा रूल किया है उस इंडस्ट्री को अब अदाकारी में आ गई हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है ये इसलिए बैलेंस आउट करती था कि आगे कोई वार ना हो रहा नहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब आप कुछ कहेंगे इनके बारे में इनके लिए तो पूरा जमाना बोलता है आई मीन यू नो क्या वो सब भी और आई मीन सब कुछ वो ये सब क्या एक्टिंग के माशाल्लाह ये बेताज बादशाह हैं ताज के साथ के बादशाह भी हैं आई मीन ही इज टू गुड क्या बात है यार ईद मुबारक आप सबको ईद मुबारक और जो आप लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक राबिया के लिए जोरदार ताली ये वाली ईद सुबह जल्दी नमाज कुर्बानी यार अब क्या बंदा इसका जवाब दे कितना मतलब उसने ऐसी बात कर दी कि फरमाइश भी देखें क्या राबिया फिर बजाएं आप मुझे पता आप मास्टर हैं बांसुरी बजाने में इसी दिन हम सबसे मिलने के लिए जाते हाँ दूसरी दे दे बांसुरी नहीं काम हम तो होता नहीं है मेरी कोशिश ये होती है कि कुर्बानी सबसे पहले हो जाए बिल्कुल सही जल्दी से जल्द हो जाए मतलब अच्छा who chooses the animals और जानवर कौन ढूंढता है कहीं से मतलब खुद तो नहीं जाते होंगे अब क्या करते हैं तो यार एक मेरे दोस्त हैं हाँ। उनका ऑर्गेनिक फार्म है ओ वेरी नाइस तो हर साल ठीक है वहीं से आता है एंड ज़िबा होता है उसके बाद फिर एक तो मैं गाय करता हूँ क्योंकि okay. हम पांचों और मेरे वालदेन दोनों आ जाते हैं तो सात हिस्से हो जाते हैं जबरदस्त है वेरी नाइस वेरी नाइस हाँ जी राबे की ईद कैसे गुजरती है कुर्बानी के जानवरों के साथ अच्छा उनके साथ गुजरती है अब आज तो हमारे साथ गुजरी दोनों के साथ एज आई सेड कुर्बानी के जानवरों के साथ गुजरती है अदनान की तरफ क्यों देख के फोन कवर राबे राबे दिस 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 समथिंग वेरी लाइक यू नो लाइक व्हाट्स हैपनिंग यार बताएं दिस इज समथिंग लाइक वेरी होमली होमली एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू नथिंग आई हैव दिस इमेंस रिस्पेक्ट फॉर अदनान ऑफ कोर्स बेटर इज यू डोंट हैव क्या ये तो इब्तिदा हुई है हां तो ये अभी से इंतहा पर पहुंचा नहीं बिल्कुल ये क्या छुपाया हुआ है क्या एक मिनट यार राबिया ने कुछ छुपाया और बता यार राबिया ये क्या ये नान के औजार नहीं नहीं नान के औजार मेरे औजार ये उधर क्या कर रहे हैं नान के औजार देखिए ये कहां से है एक मिनट ये कहां से है ये मुझे मौका दे रही हैं कि मैं अपने टैलेंट टैलेंट का ये देखें आपके लिए स्पेशल इन्होंने कहा था मैं शो में एक बांसुरी लेके आऊंगी और अदनान जो है वो बहुत अच्छी बजाते हैं तो वो आपसे बजवाना चाह रही हैं ये लीजिए वैसे राबिया थैंक यू सो मच आपको बांसुरी लाने की जरूरत थी नहीं क्योंकि मेरे पास है मैं इनके बांसुरी बजाने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरे वालिद साहब बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं और उनके बाद अदनान को मैंने देखा है तालियां राबिया के लिए जोरदार ताली ठीक है यार अब क्या बंदा इसका जवाब दे कितना मतलब उसने ऐसी बात कर दी कि फरमाइश भी देखें क्या राबिया ने बजाएं आप मुझे पता है आप मास्टर हैं बांसुरी बजाने में कोई दूसरी बांसुरी मिल सकती है हाँ दूसरी दे दे बांसुरी वाह
Awesome. मजा आ गया यार. Very nice. Wonderful यार. रांझे जैसी बांसुरी बजाइए. रांझे जैसी. ये आपने कहाँ से सीखा है बजाना? ये जो बांसुरी का जो शौक है ये बचपन से था. I always enjoyed playing creative instruments. Of course. चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो percussions हो, चाहे वो. And you also sing, ना मतलब ये super talented. Yeah, of course. Yeah, नहीं, you sing as well. अच्छा बहरहाल very nice. ये किसी और वो कहते हैं ना कहीं और शो से निकल के कहीं और ले गई आपकी बांसुरी. उन्होंने इतना अच्छा मुझे साथ दिया. इतना very nice. Very nice. अच्छा जनाब आजकल प्रोजेक्ट क्या हो रहा है मुझे ये बताएं कि आई यू वर्क यू जस्ट प्रोड्यूस्ड अ फिल्म बट यू आर नॉट प्लेइंग एनी कैरेक्टर इन दैट आर यू नो आई एम नॉट ठीक है आई जस्ट प्लेड अ वेरी स्मॉल कैमियो वो भी इसलिए कि एहतिशाम की ख्वाहिश थी कि मैं उस फिल्म के अंदर एक कैमियो कर लूं ओके जबरदस्त तो व्हाट इज द फिल्म अबाउट थोड़ा बताएं हमें यार मैं कोई भी इसको जॉनरा नहीं कहूंगा बट मैं ये जरूर कहूंगा इट्स अ मसाला फिल्म ठीक है मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है ठीक है अमर ने लिखी है वो फिल्म और क्या खूब लिखी है बिल्कुल वो बहुत अच्छा लिखती है नो डाउट एंड उसका जुमला जो फिल्मी जुमला होता है जो आज का जुमला है जो फिल्मों में इस्तेमाल हो रहा है वो जुमला है और उतनी मेहनत के साथ एहतिशाम ने उसको डायरेक्ट किया है नो डाउट वंडरफुल डायरेक्टर ड्रीम्स की बात हो रही है जब आपकी ड्रीम्स कामयाब होती हैं तो आपको क्या मिलता है और जब नहीं होती हैं तो उसके साथ फिर क्या तकलीफें आती हैं वो सारी चीजें हैं बट एक लाहौरी लौंडे की कहानी है अच्छा। और वही अंदरूनी शहर की लड़की की कहानी है और बहुत ही खूबसूरती से बहुत एंजॉयबल होगी रोम कॉम म्यूजिकल आई हैव हर्ड द स्क्रिप्ट यू नो दैट ना आई हैव हर्ड द स्क्रिप्ट ठीक है वेरी नाइस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म और जब ये रिलीज होगी वेरी सून तो इंशाल्लाह सब देखने जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे एहतिशाम ने कहा था कि हम कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करेंगे मगर बनाएंगे जरूर इंशाल्लाह व्हाई नॉट यार ऑल द लक टू द होल टीम अब क्या हो रहा है आजकल और इतने ये मजे मजे के जो कैरेक्टर्स अभी एक प्ले मैंने देखा उसमें भी किया बड़ा जबरदस्त डिफरेंस था शब्बीर जान की वाइफ बनी हुई है उसमें उससे पहले आंगन में भी एक अलग सा कैरेक्टर और फिर 10 years ऑलमोस्ट यू बीन डूइंग मॉडलिंग और इतना जबरदस्त यू बीन अ टॉप मॉडल ऑफ पाकिस्तान वन मैनी अवार्ड्स और फिर ट्रांजिशन अक्सर ही कहते हैं कि एक्टर्स और मॉडल्स और बहुत डिफरेंट लोग हैं मॉडल्स के नॉट बिकम एक्टर्स बट आई हैव सीन यू इन आंगन आई हैव सीन यू दिस प्ले और भी काम करी तो ये कोई एक्टिंग का हमेशा से फिल्म की फिल्म में ही बहुत अच्छा काम था जो 3-4 साल पहले फिल्म थी उसके बाद थोड़ा ब्रेक आया तो एक्टिंग का हमेशा शौक था नॉट रियली एक्टिंग का हमेशा से शौक नहीं था और आई डोंट बिलीव इन सेइंग कि ये ट्रांजिशन होती है ये आप में या चीज होती है कि आप एक्ट कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते और दूसरी चीज जो आती है वो उस सूरत में लागू हम यहाँ कर सकते हैं वो ये कि आप किसी भी चीज में अगर डेडिकेशन दें अपनी और फोकस से वो काम करें तो कुछ भी हो आप जहाज भी उड़ा सकते हैं ये तो फिर अदाकारी की खाली बात है इसमें सिर्फ अपने लोगों को उड़ाना है इर्द गिर्द अपने फन से और जहां तक मॉडलिंग की बात है वो भी बस मैं थैंक यू फॉर सेइंग दिस बट मैं नो बट वी हैव सीन यू आई हैव आल्सो डन अ फ्यू शूट्स विद यू रिमेंबर वी हैव यस या या यस वी हैव एंड यू वन सो मेनी अवार्ड्स एक मॉडल होना भी एक टॉप मॉडल होना भी बड़ा मुश्किल मतलब जबरदस्त वो उसके लिए भी टैलेंट चाहिए यार बट एक्टिंग कितना मुश्किल रोज सेट पे मैं एक दो जैसे मायरा से मेरी बात हो रही थी वो शायद 5 साल बाद प्ले कर रही है तो मुझे बोल रही थी कि इतना मुश्किल मुझे इसलिए लग रहा है कि रोज सेट पे जाना रोज बैठना रोज अदाकारी करना फिल्म में तो आप 2 सीन्स किए 1 सीन किया कभी कभी चले गए इट्स वेरी टफ यू नो इजंट इट व्हाट डू यू थिंक ऐसा नहीं है उनके लिए मुश्किल है जो सिर्फ कैमरा के आगे अदाकारी कर रहे हैं जो वैसे ही 24 घंटे करते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है अभी किसकी ये क्या बात है खुद 24 घंटे कर रही होता कर रही है क्या समझ नहीं मैं तो एक्टर हूं ही नहीं मैंने पहले ही कह दिया मुझे इस बात की समझ नहीं आई मैं इस बात की मैं नहीं समझ रही क्या लेकिन ये बात है क्या मुझे बिल्कुल समझ नहीं देखिए एक्टिंग का जो ताल्लुक है ना प्रैक्टिस से है हां प्रैक्टिस से ठीक है ना मुझे ऐसा लगता है कि अदाकार से ज्यादा मुश्किल जॉब डायरेक्टर का है यार मैं तो सेट पर आऊंगा एक सीन करके चला जाऊंगा याद करूंगा या नहीं करूंगा डायरेक्टर ने उसको निभाना भी है उसकी एडिट भी देखनी है उसके बाद उसका म्यूजिक भी देखना है उसके बाद उसकी पैकेजिंग बनानी है कहीं झोल तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा कैसे बिल्कुल 2 साल के बाद मैं एक सीरियल करने जा रहा हूँ तो जंग लग गया है बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार भूल गया हूँ ये काम और जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी
उतनी ज़्यादा निखार भी आता रहेगा। मगर एक बात की मैं बिल्कुल उस बात को मैं मानता हूँ कि अदाकार होता है या नहीं होता है, ये शर्त है कि अच्छा और बुरा। अदाकार अच्छा होता है, बुरा होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, वट आई बिलीव दैट देर आर नो बिग और स्मॉल रोल्स। एक्टर्स आर बिग और स्मॉल, और रोल आप खुद बनाते हैं अपना, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा रोल एक बहुत बुरा एक्टर खराब कर देता है, बिल्कुल सही। और एक बहुत छोटा सा एक लाइन का रोल बहुत बड़ा एक्टर उसको लार्जर देन लाइफ कर देता है। आई एग्री, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। यू वर्कड इन हॉलीवुड, लाइक हॉलीवुड की फिल्म की है, बॉलीवुड की है, अपनी भी अब हमारी, अब यू आर प्रोड्यूसिंग इट, एंड व्हाट डू यू फील के वो क्या चीज है जो हमारे हम लोग नहीं कर पाते और वो सारे कर पाते हैं? अच्छा, प्रोड्यूसर जैसे सारे एक जैसे ही होते हैं, सबकी कोशिश ये होती है कि पैसा बचे, टाइम पर आए, सब चीजों, व्हिच इज वेरी नॉर्मल। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा होमवर्क की कमी है, ओके, और टाइम की जो एक पाबंदी है ना, वो बड़ा मसला है। मतलब मुझे नहीं, टाइम की पाबंदी एक्टर्स की तरफ से क्या पूरी टीम की तरफ से? ये ओवरऑल सिस्टम है, ओवरऑल। अच्छा, ये किसी को आप एक्टर्स को नहीं कह सकते, ओके ओके। कहीं डायरेक्टर होता है, मतलब यूजली हमारे यहाँ तो एक्टर्स की तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। बट मैं एक किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता इसके लिए, ये कोई भी, अगर जो माशरा होता है ना वो लोगों से बनता है, तो उस माशरे को सुधरना पड़ेगा ऑल टुगेदर। और स्पेशली व्हेन इट्स अ टीम वर्क, जब सबकी मौजूदगी होगी तो काम आगे चलेगा, वरना तो एक बंदा मिसिंग हो तो। अगर मैं हॉलीवुड की बात करता हूँ तो सैटरडे, आई एम सो सॉरी आई कट यू, नो, क्या आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, आपकी बात, प्लीज आप बोले। यार बात कर, क्या हो? मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं तो हॉलीवुड में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मतलब आपको वो लेबर लॉ है कि आपने सैटरडे संडे वीकेंड पे आपने काम नहीं करना, नहीं करना। अगर करेंगे तो उनकी सैक भी पकड़ेगी, आपको हुकूमत भी पकड़ेगी, उनकी छुट्टी है वो, तो वो उनका राइट है, वो तो उस राइट को आप, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल वाली बात है। और फिर आपको पर डियम मिलता है, उधर पैसे मिलते हैं। आपकी शिफ्ट सुबह अगर 8 बजे से है तो 8 बजे ख़त्म होगी, तो एक तो 8 घंटे की शिफ्ट होती होगी, और 8 घंटे के बाद अगर होगा तो उसका ओवर टाइम भी मिलेगा आपको, तो सबको मिलेगा। बॉलीवुड का ऐसा नहीं था, मगर फिर भी काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज, ठीक है। मगर यहाँ पे हमारे नहीं है, दैट्स व्हाट। मगर मैं पाकिस्तान को एक क्रेडिट तो आप दें यार, कि इस माहौल के साथ क्या क्या चीजें बना रहे हैं हम, क्या 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 बना रहे हैं, चीज बना रहे हैं हम, no doubt। मतलब हमारे जैसे ड्रामे तो मेरे ख्याल में दुनिया में नहीं है, कहीं नहीं बना सकता, नो डाउट। आई एग्री, एंड पीपल लव वाचिंग आवर प्लेस इंटरनेशनली, तो वो बहुत बड़ी, इतने महदूद वसाइल के साथ और इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो हमने प्लेस कर दिए हैं, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल। जबरदस्त बांसुरी का म्यूजिक के बाद अचानक से ना मुझे लगा कि आपका मूड भी थोड़ा सा उस म्यूजिक के साथ लो हो गए हैं। Are you feeling okay? वैसे पूछ बात। हाय हाय, गाने बजवाते हो रूठे वाले, तो फिर क्या चाहते हो कि मैं एकदम बदल जाऊं? नहीं, मैंने कहा शायद मेरी गलत फहमी है, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। राबिया, जिंदगी में आगे एक्टिंग में क्या करना चाहती हो कि मैं ये वाला कैरेक्टर करूंगी? आई वांट टू डू दिस, हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? या जो कैरेक्टर्स आते हैं बस उन्हीं को देख के कुछ चूज करती हो? नो, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट मच, नेवर। या आई डोंट इवन नो इफ आई विल Keep acting. If I'll just stick to this, no. अच्छा. Yeah. यार ये भी बड़ी डाइसी बात है. क्या कहते हैं आप अदनान राबिया को? क्या आपको क्या लगता है as a producer? What would really suit her? What character and what kind of work should she do? राबिया जिस कैरेक्टर पे आती है माशाल्लाह छा जाती है. अच्छा. मगर अब कोई एक पंजाबन वाला रोल करना चाहिए. डाडा जट वाला. ये हाँ. वो फिर सिया बना लांगे एक. गेम हमारे पास बहुत जबरदस्त। ईद मुबारक आप सबको एक मरतबा फिर, और आप भी इजरा ईद मुबारक कह दें आप सबको। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप भी कह दें प्लीज ईद मुबारक। यार बकरा ईद सबको बहुत मुबारक। बिल्कुल सही जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गेम की जाने पड़ेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।
Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. क्योंकि बकरा ईद है, बड़ी ईद जिसे कहा जाता है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अदनान सदीकी, क्या कहते हैं इसको, क्या लगाएंगे? सुआ है ये? सुआ तो नहीं है यार, क्या लगाएंगे आप? जरा ग्लव पहन ले और तो हम बारबेक्यू करेंगे ना इसके बाद, तो राबिया ये बहुत जरूरी है यार, बकरीद हो और बारबेक्यू ना हो और घर में, जरूरी घर में, कभी घर में किया है खुद? सब किया, मगर ये कैसे खोलते हैं? अच्छा ये भी एक प्रैक्टिस है, इसको कैसे खोलते हैं? आपको तो जी हाँ खुल गया, वाह सर क्या बात है, उलझे हुए धागों का सिरा नहीं मिलता, ये लें फलसफियों की बहस से खुदा, मेरा हाथ बहुत बड़ा है इसके लिए मैं माजत चाहता हूँ ये हमने एक और रखा हुआ इन केस दैट डजंट वर्क। राबिया आप पहले हम अदनान से बनवा रहे हैं, फिर आप भी बनाएंगी। डू यू कुक एट होम एवर? डू यू कुक? I don't at all. ये कभी लगाई है? नहीं देखी है बहुत लगाते हुए, कभी नहीं लगाई ये या कबाब या कभी। मैं शुरू करूं? नहीं हाँ प्लीज शुरू करें। पहला सवाल आपसे रैपिड फायर का है वो ये है, साथ आप ये लगाते रहे तो, बुरा एक्सपीरियंस शूटिंग पे किसी कोसा के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ या कभी किसी भी शूटिंग पे? मेरा एसेंस किसी से कोई झगड़े वगड़े नहीं होते, मगर जब होते हैं तो बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। सीरियस वाले? हाँ सीरियस वाले होते हैं। वो एक ही दफा हुआ था मेरा और मुझे उसका बड़ा अफसोस है, क्योंकि बेग साहब थे सेट पर। अच्छा और वो बरकत सिद्दीकी कहाँ हो तुम, तुमने गलत किया था। Really? अरे हाथा पाई नहीं 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 नहीं, आर यू सीरियस? बट वी आर फ्रेंड्स नाउ। या बरकत इज लाइक अ वेरी नाइस पर्सन, पर वो सेट पे कोई इशू हो गया होगा। इतना पानी पिएगा तू? अबे अच्छा इस पे भी कभी झगड़ा हो सकता है? मतलब बरकत को सिर्फ सबसे ज्यादा मसला होता है कि एक्टर खा क्यों रहा है इतना। भाई खाएगा, भाई आया तो खाएगा, खाने दो यार, खाने में कितना चला जाएगा पैसा? कितना चला जाएगा यार, बिल्कुल सही। गुड अच्छा ठीक है, हाथापाई तक बात पहुंच गया, ये मुझे नहीं, आई डिडंट नो दिस। अच्छा नेक्स्ट, खवातीन में मैं इसलिए मकबूल हूँ क्योंकि मैं बनाई खवातीन के लिए हूँ यार, तो इसलिए हूँ। इस बात का क्या मतलब है? यानी ऑब्वियसली मैं बनाई खवातीन के लिए, हमें पता है यार, लेकिन कोई खास वजह होती है ना कि माय ह्यूमर, द वे आई ट्रीट देम वेरी स्वीटली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मे बी यू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आप जब इज्जत देते हैं किसी को तो ना, ये बड़ा जरूरी है। कोई और वजह तो मतलब कोई है तो याद? ऐसी कोई वजह नहीं है, ठीक है, होगी तो यहाँ क्यों बताऊंगा? नहीं उस सेंस में मेरा मतलब नहीं, तुम्हारा जो मतलब था मैं समझ रहा हूँ। नहीं मेरे नहीं नहीं यही था यार, बस आगे की सोच रहा है। ठीक है जी, मुझे गुस्सा उस वक्त आता है जब मुझे वक्त पे खाना नहीं मिलता। Really? Oh, I don't know. But nahi, you're not foodie yaar, because you're I so... know, I am very foodie, but okay. I have my time. मतलब मैं सुबह नाश्ता 7 बजे कर लूंगा, 8 बजे कर लूंगा, इससे आजकल जैसे लेट हो रहा है, 9 बजे हो रहा है, मुझे कोफ्त हो रही है 9 बजे क्यों लेट क्यों हो रहा है। रात शाम का खाना मुझे चाहिए 6:30-7 बजे तक। Okay, and is that your last meal 7 बजे? Oh yes, I don't eat after that. Oh wonderful, ये राज है स्मार्टनेस की, रात को जो लेट बैठ के खा रहे होते हैं ना, उसकी वजह से सारी मुसीबत आती है। ठीक है जी, अगला सवाल, असल जिंदगी में भी आर्टिस्ट ड्रामे करते हैं या नहीं करते? असल जिंदगी में ड्रामे करते हैं? हाँ बहुत से आर्टिस्ट। असल जिंदगी में तो उनका जो प्रोफेशन ही है ड्रामा ही करना। असल जिंदगी में यानी कि नहीं 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 रियल लाइफ, नॉट ऑन द स्क्रीन, रियल लाइफ में भी आई थिंक नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते होंगे। यू नो बड़ा सेंसिटिव आदमी है यार, एक्टर कैसे कैसे कर सकता है ड्रामा? ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन राबे ने तो कहा कि कोई असल जिंदगी भी है अभी बात कर रहे हैं। ही एग्रीड दैट टाइम, बट नाउ ही सेइंग नहीं असल जिंदगी में नहीं करते। अभी अभी की बात है, 5 मिनट पहले। मतलब क्या ड्रामा किया हमने क्या ड्रामा किया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, वो कौन है जो असल जिंदगी में कोई की सच्ची नहीं, कुछ लोग होते जो क्या मैंने झूठ बोला के यार आपकी बात मैंने क्या झूठ बोला के राबिया खूबसूरत है? मैंने सच बोला ना खूबसूरत है। ऑफ कोर्स मैंने क्या गलत कहा कि आपने अच्छी एक्टिंग की? मैंने सच बोला कि आपने अच्छी एक्टिंग की। आप सच बोलते हैं, यू डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है जी, अगला सवाल क्या कहते हैं इंडस्ट्री? मैं शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता। शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल आता है, कोशिश नहीं करता। वाह 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 वाह, ये आज कुछ शायद आना तो बेहतर हुई अदनान सिद्दीकी की, मुझे समझ नहीं आई ये राबिया को देख के होगी या पता नहीं वैसे ही कोई। राबिया को देख के तो जो शेर मुंह में आ रहा है बोल दूं? हाँ वो क्या है? मोहब्बत है क्या शेर, ये अल्लाह जाने,
है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने वाह दी है साकी ने क्या शहना जाने पलट आए मेरे गुजरे जमाने वाह वाह शुरू है मोहब्बत अरे तौबा तौबा कयामत गुजर जाए कोई ना जाने मोहब्बत है क्या शह ये मुझसे ना पूछो मैं पूछूंगा तुमसे जो चाह खुदा ने वाह क्या बात है क्या यार वेरी इंप्रेसिव इंडस्ट्री का मस्कीन तरीन एक्टर कौन है मिस्कीन नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान कह सकता हूँ मिस्कीन में आप नहीं कह रहे इजाज़ असलम यार मिस्कीन तो दूर दूर तक नहीं इजाज़ यानी मैंने लफ्ज़ ही मिस्कीन का बोला तो फिर मिस्कीन नहीं अच्छा अच्छा क्यूट मिस्कीन नहीं है मिस्कीन कौन हो सकता है मिस्कीन सैफी हसन सैफी भाई बहुत मजे की आदमी है ठीक है जी इंडस्ट्री का वेरी शार्प शातिर तरीन एक्टर कौन है शातिर तरीन से क्या मुराद है मतलब एक देखो शातिर होता है कि नेगेटिव ना हो होशियार समझदार काम हाल में एक्टर सारे होशियार हैं बहुत होशियार हैं ये सब बड़े होशियार हैं बड़े तेज नहीं ये सब क्या मतलब उसमें आप शामिल नहीं है मैं ये सब होशियार है मैं मासूम हूँ मैं होशियार नहीं हूँ राबिया बताएगी सही क्या होशियार तरीन है ये देखा ये होशियार तरीन उसका मतलब वेरी इंटेलिजेंट होशियार में होशियार में फर्क है आई थिंक ही समझदार हाँ ये समझदारी से काम करता हूँ मैं होशियारी से काम करता हूँ आप ही बहुत होशियार हैं मैं जो भी करता हूँ समझदारी से करता हूँ मुझे तो माशाल्लाह मैं कैसे हो सकता हूँ मैं तो मासूम तरीन आप जान रहे आप मासूम ही तो हैं अच्छा जी यार बड़ी जल्दी लगा ली यार ये चेक करो यार स्पीड है नाइस यार नाइस सवाल रहेंगे एक दो यार इसको बारबेक्यू करेंगे अभी खाएंगे आज अच्छा मैं ये कर सकता हूँ अगर आप चाह रहे हैं तो मगर जरूरत नहीं है इसकी हाँ कर लें के, वाओ अच्छा इस शो में जाने से कतराता हूँ मॉर्निंग शो में वजह अब मैं जरा मुंह फट आदमी हूँ वो लाइव होता है कुछ भी बोल दे अच्छा तो इसलिए वो नहीं है सर ठीक है जी माय फेवरेट डायरेक्टर अच्छा मेरे सारे डायरेक्टर बड़े फेवरेट जिन जिनके साथ काम मैंने जिनके साथ काम किया है चाहे वो एहतिशाम हो एहतिशाम भाई तो इज ब्रिलियंट चाहे वो सैफी हसन हो सैफी हसन को गुस्सा आता नहीं है मगर जब आ जाए ना तो फिर कुछ भी हो जाए क्या करते हैं मैंने मुझे नहीं मालूम सैफी हसन को अगर कह रहे सैफी यार ये डायलॉग सही नहीं है यार नहीं यार ये ऐसे ही होगा अब वो नहीं होगा ये ऐसे ही होगा कुछ भी कर लो तुम ये लेकिन ऐसे चेंज हो गया इनका सैफी असर हो गया अच्छा नदीम बेग सबके अपने अपने अंदाज है बेग साहब क्या करते बेग साहब तो गुस्से में आते ही नहीं है बेग साहब से जैसे मैं मेरे पास तुम के अंदर मैं कहता था सर ये अगर मैं ये लाइन ऐसे कर लूं हाँ गुड आइडिया अच्छा करें मैंने अभी जो बताया वो नहीं जैसे लिखा है वैसे ही करेंगे इतनी बातें क्यों सुनी है मुझसे ठीक है समझ में आओ जी राबिया बट आइए प्लीज स्टे हियर यू कैन आल्सो आस्क सम क्वेश्चन ये लो जी यार एक तो माशाल्लाह से कद इतना लंबा है जल्दी किया हाँ जल्दी जल्दी जवाब दे माशाल्लाह इतनी लंबी लड़की है कि इसके साथ खड़े होते थोड़ा सोचता है इंसान के यार सही है एक काफी मेरे साथ बैठ के भी इंसान बैठ के भी सोचता ही रह जाता है है। यार आज राबिया अलग मूड में है यार मेरे इस हुलिया के साथ ये जा रहा है ये जो तुम बिल्कुल जा रहा है राबिया देखो बारबेक्यू करते हुए तो कोई ईद पे जब लड़कियां तैयार होती है और कुछ बनाना अम्मा ने तो हमेशा साड़ी पहन के खाना बनाया ये देखा यार ये तभी तो वो माए हैं माशाल्लाह ये एक मिनट देखिए आपने कहा था बना दूं हां यार मैं उधर बैठ जाता हूं खौफ के मारे कभी पहना गया खौफ किस चीज का खौफ किस चीज का यार ये क्या मतलब जाहिर करना अच्छा इतने ही कमसिन हो मासूम हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रही आज हो क्या रहा है क्या पता मुझे नहीं पता ना कि किस मूड में आज ये लीजिए लगाइए ये ले और पहला सवाल अदनान करेंगे पहला सवाल चश्मा पहनना पड़ेगा पहला कर रहा था आ जाए इधर आ जाए पहला सवाल ये है कि मुझे देखकर बहुत सारी मॉडल्स ये कहती होंगी अच्छा गेस करते हैं नान से देखी बताते क्या कहती होंगी हाय कितनी प्यारी है हाय 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 ये कहती है
यार इसने होठो को कुछ कराया हुआ है, ये कहती होंगी, ये जरूर कहती होंगी। यार नहीं, मुझे शुरू के मॉडलिंग के आयाम में तब लोग बोलते थे कि शायद ये ऐसी है नहीं है, ये एक्टिंग करती है, कि ये इतनी अच्छी है और ये ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ एक्ट करती है। उनको यकीन नहीं आता था कि इतनी अच्छी, हाँ कि बैक बाइटिंग नहीं करती, अच्छी हो, अच्छा हिम्मत नहीं करती और सबकी मदद भी करना चाहती है, सो ये ड्रामा है। ठीक है, तो ड्रामों में तो मैं आ पाई हूं। अब आई हूं। हाँ, तो दस बारह साल तो बंदा ड्रामा नहीं कर सकता ना। प्रैक्टिस की ना 10-12 साल। अच्छा ठीक है जी। इंडस्ट्री में इससे शादी कर लेती अगर ये शादीशुदा ना होता तो? एक मिनट किसे करती है? चलें रफ गेस। इंडस्ट्री में? हाँ ना, मैं इनको जानता हूँ। कितना जानते हैं बता दीजिए। इतना तो ये करती है शादी, इंडस्ट्री में नहीं करती यार। लेकिन सवाल ये है राबिया कि इंडस्ट्री में किसे करना? इंडस्ट्री में कुछ भी करने का यकीन नहीं है, मतलब आपसे। हाँ, I mean, I don't even believe in making friends in the industry. Are you serious, Rabia? Yeah. This is why I don't have friends in this fraternity. Are you sure? Yes, I am sure. आपके कोई दोस्ती नहीं है? नहीं, नहीं। देखिए, तुम तो दोस्त हो मेरे, ये बता दो जरा। सोना अलग होता है, अच्छा तो हमसे सिर्फ जान पहचान है तुम्हारी, हम दोस्त नहीं है, हम दोनों दोस्त नहीं है तुम्हारे। अजनबी और दोस्त के बीच में आप लोग? अच्छा, मिडल में हम कहीं पे, यानी ना आर ना पार। ठीक है, बड़ी बात है। हाँ, मुझे ना हैरत हो गई यार, यार आपने क्या, हम लोग बीच में यार, ये क्या है यार, क्या बोल रही है? अच्छा ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं, ठहरो। अच्छा एक मिनट, सीखे खत्म हो गई है? कोई बात नहीं, जवाब दे, दोबारा लगा। ये देखें और वो जरा देखें, जरा प्लीज एक मिनट देखें, एक मिनट यार first, वैसे ये बहुत फर्स्ट टाइमर के लिहाज से देखें और सीजन तो के लिहाज से देखें। भाई सीजन की बात नहीं, शौक की बात। उन्होंने लर्नर देखें भाई, लर्नर देखें, सच अ ग्रेट लर्नर। एक मिनट रबे, उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं सीजन हूँ, वो कह रहे हैं हमने कहा है, दुनिया कहती है। अदाकारी का सीजन से चीको में गोश डालने का कहाँ से ताल्लुक हो गया भाई? यार सीजन का मतलब है एक्सपर्ट। नहीं तो मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ? किस चीज में एक्सपर्ट? मेरी क्या गोश की दुकान है, बारबेक्यू की कोई दुकान है? किसने कहा एक्सपर्ट? अगला सवाल, अगला सवाल ये है, मेरी हंसी निकल जाती है जब? बहुत अच्छा जवाब था भाई, आगे ठीक है ओके ठीक है। इंडस्ट्री में मेरी, अब ये वही सवाल आ गया, मेरी एक बेहतरीन दोस्त है, उसका नाम ये है। एक तो है नहीं, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, और मैं अपने मैं हूँ मेरे साथ दोस्त हूँ। मेरी तन्हाई मेरी बेहतरीन दोस्त है। ठीक है जी, मेरा फेवरेट को-स्टार कौन है या होगा या कौन लगता है? नहीं, मैंने इंडस्ट्री वाले सवाल का जवाब फिर से देना है, अगर कोई शादीशुदा वाला मुझे जवाब। हाँ ठीक है, आगे हम बैठ जाते हैं जवाब सोच के। इसलिए कि अदनान ने मेरे बिहाफ पे जवाब दिया था, क्यों? हाँ क्यों दिया? ठीक है, अब आप दीजिए जवाब। आई थिंक कि अगर वहीद मुराद साहब अगर हयात होते तो वो, मैं एक दफा सोचती कि यार कितना खुबरू, वाह हीरो है, क्या बात, तो उसकी संगत में कुछ देर बैठना चाहिए, और उसके बाद अगर नसीब में होता तो आप लोग खाना खा कर जाते उस दिन। पर ये हो ना सका, खाना खा के जाते, बहुत शादी के वलीमे में खाना खा के, मैं वलीमे का खाता खाना। अच्छा आप उसका जवाब दे दो, कोई एक सहेली जो बहुत क्लोज है, कोई मॉडल है, कोई एक्टर, कोई है? लेटली आई हैव वर्क विद माया अली एंड आई फाइंड हर रियली अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं जबरदस्त कि मैं याद कर सकूं। माया इज लव, माय बिगेस्ट फेयर, माय बिगेस्ट फेयर इज टू हैव एनी काइंड ऑफ फियर, आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ इन अंडर फियर्स, एनी काइंड ऑफ, लेकिन कोई ऐसा किसी को लूज करने का या कुछ हो, कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज होती है, कोई फोबिया हो सकता है, कोई भी, कोई एक फियर का कोई नाम, ऐसे तो मैं भी जवाब दूं कि हर चीज में, हां ये तो मेरे बड़े सिंपल से जवाब है यार, ये मतलब कोई फियर, कोई फियर हो सकता है जिससे आपको हद दर्जा मोहब्बत और चाहत हो उसको आप खो दें, और मैं क्योंकि उस चीज से गुजर चुकी हूँ तो इसलिए मेरा अभी ऑनेस्टली ऐसा कोई भी फियर नहीं है, और जो है उस पर मैं काबू पा सकती हूँ।
ठीक है, ओके गुड, दैट्स गुड, दैट्स नाइस. ड्रामा चूज वही करती हूँ जिसमें जिसमें मवाद हो, अच्छा जिसमें अच्छा सब्सटेंस हो, जिसमें मेरे पास कुछ करने के लिए हो सिवाय अपनी शक्ल दिखाने के, पोटेंशियल हो काम करने का, और जिसमें अदनान या एहसन हो. ओए ये 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 बस अब मुख के जो सवाल, ये मुख के जो सवाल क्या हुआ जो अगर बारबेक्यू सही है यार. लाएं जी बारबेक्यू करें, इसको हम खाएंगे. और अदनान सदीकी आपने तो वाकई बड़े एक्सपर्ट तरीके से लगाया यार. थैंक यू सर. एंड बोथ ऑफ यू वेरी नाइस वंडरफुल. एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे जनाब, उसके बाद हम ये भी खाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगली गेम की जाने पड़ेंगे. देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और अब एक special segment छुट्टी बंद. वैसे तो ईद पे छुट्टी छुट्टी है सबकी, लेकिन ये छुट्टी बंद segment आप जानते हैं कि हमारे जो celebrities very very intelligent and sharp celebrities यहाँ पे आते हैं. और honestly अदनान सुन रहे हैं आप, अदनान सदीकी और राबिया, मैं इतना impress होता हूँ जब हमारे celebrities इतनी जबरदस्त जवाब देके जाते हैं यार. I mean it's quite surprising. मैं सोचता हूँ कि यार randomly सवाल मैंने कर लिया है तो जवाब नहीं आएगा, लेकिन यार ये तैयारी बड़ी होती है जबरदस्त. कभी-कभी लगता है कि script leak हुआ है. ऐसा है? है नहीं हुआ? नहीं, मैं उन जवाबात से ना तुम्हारे सवालों पे हैरान होती हूँ कि तुमने पूछ लिए ऐसे सवाल. कैसे? जैसे पूछते हो मतलब. ऐसे ये वाले? हाँ, और कौन से? ऐसे. मैं तो कुछ पूछता ही नहीं हूँ, मैं तो कोई बात ही नहीं करता. Because you know it all. I know it all. I don't know anything. अच्छा जनाब स्क्रीन पे हम पहला सवाल, एक सेकंड, अभी नहीं रुक जाएं. वो इसलिए ट्रेजर बॉक्स है, इसमें बड़ी स्पेशल चीजें हैं, बड़ी प्यारी. वाह वाह वाह. जो जवाब नहीं दे पाएगा वो ये पहनेगा. और दूसरा जो दे पाएगा वो कुछ नहीं पहनेगा, उसकी बचत ही बचत है. ठीक है कि कुछ और चाह रही हैं आप, बता दें मैं कुछ और कर लेता हूँ. नहीं सही है, अगर आपको मंजूर है तो खेले. कोई इनाम? कोई बिल्कुल इनाम ही इनाम है. कोई तोहफा? सही है, तोहफा भी होना चाहिए. बिल्कुल सही है. टॉफी शाफी? इम्तियाज भाई. ओके जी, ओके आगे बढ़ते. पहला सवाल दिखाइए जी. वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन सैन फ्रांसिस्को, सिडनी या फ्रांस? फर्स्ट ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को. आर यू श्योर? नहीं, गलत कह रही हो तुम. क्योंकि सिडनी को कहता है जो, देखो हुआ ये है कि सिडनी हैज बिकम द न्यू, मतलब न्यूयॉर्क के लिए बारे कहा जाता है नेवर स्लीप्स. मुझे सिडनी लगता है. तुम सिडनी को? अच्छा, लेकिन यू आर सेइंग सिडनी. मैं नहीं कह रहा. तो आपका क्या जवाब है? इनका किससे पूछ रहे हैं? आप दोनों जवाब दे सकते हैं. दोनों जो नहीं दे पाएगा, हो सकता है अगर राबिया ने जवाब गलत दिया ना तो ये पहने की. अगर आपका आप पहले जवाब देने की, मैं दूं? दोनों दे ना, दोनों जवाब दे. यू वांट आंसर? आपने ए कहा है जी, ए कहा, तो मैं ए पे जाता हूँ. क्यों? आप सिडनी कह रहे हैं? आपने अभी तो सिडनी कहा उसको. मैंने तो नहीं कहा ना, मैं समझा ये कह रही है, तो मैं उनको मशवरा दे रहा था. ये आपको मशवरा दे रहा है, मान जाओ इनका मशवरा. नहीं तो वो मशवरा अपने पे क्यों नहीं लगवा रही है? मैं गलत हो सकता हूँ ना, तो फिर आप राबे वाली ए पे क्यों चले गए? मुझे नहीं पता था ना पहले कौन जवाब दे रहा है. अब तो पता चल गया ना, अब बताओ. तो मुझे भी पता. अब अगर अच्छा गोल्डन ब्रिज, गोल्डन गेट. हाँ, गोल्डन ब्रिज. मुख्तार भाई. अच्छा जी. अच्छा तो ए ऑप्शन आप जी. ए देन व्हाई डिड यू टेल हर टू चूज बी? ओके जी, ही इज जवाब देखते जी. ही इज सो फेमस. सही जवाब है. तो मैं पहनाऊंगी इसको चीजें. मेरे जवाब तो दे दे दो ना पहले, मुझे फिर पहनाओगी ना? हाँ. नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया है. मैंने तो कुछ दिया ही नहीं है. आपने जवाब दिया है. मैंने अभी कुछ ना देना भी जवाब ही होता है. आपने हाथ उठाया, अवाम ने देखा हाथ किसने उठाया. हाँ राबिया ने. ठीक है, तो आपने जवाब. और मुद्दा किसने उठाया? क्या चीज?
ये कहा ये पहले तो उर्दू मुद्दुआ मुश्किल मेरा डाले मेरी बात सुने इवन इफ यू आर डिलेड इन रिप्लाइंग और आंसरिंग तो यू विल बी द वन हु लूजेस सो पहला तो दोनों का सही है लेकिन नेक्स्ट जब मैं सवाल करूं तो फौरन से आपने बता देना है फौरन से बताएंगे ठीक है चलो ओके अगला सवाल मिसगाइड भी नहीं करेंगे क्या मिसगाइड भी नहीं करेंगे वो करने दो उनको खैर है यार अबे क्या हो गया यार तुमने कौन सी मान ली उनकी बात मान लो चलो आगे क्या बातें हो रही है कौन सी बातें हो रही है अगला सवाल दिखाइए जी अच्छा येलो सी लाइज बिटवीन अमेरिकन कनाडा इंग्लैंड फ्रांस चाइना एंड कोरिया बताओ दोनों नहीं दोनों ने हाँ मुझे तो नहीं पता चलो बताओ मुझे पता है मैं इसलिए बताऊंगी मुझे नहीं पता पता और इसलिए नहीं बताऊंगी चलो मुझे तो नहीं पता मैं तो कह रहा हूँ नहीं पता मुझे तो पता है तो फिर मैं पहना देता हूँ तुमको नहीं पता है तो बता नहीं एक पता है तो बताओ पता तो बताओ जल्दी चाइना एंड कोरिया अच्छा जी आर यू श्योर राबिया ये तुक्का है इन्होंने कहा येलो होगा तो वहां के जरा पेल लोग होते हैं तो चलो कह दो चलो अच्छा सही जवाब पहले सही जवाब नहीं ये तो बहुत रेसिस्ट आंसर था आपका चाइना एंड कोरिया जवाब चलो जी क्या यही है यार जवाब सही जवाब ये तो कब नहीं यू एक्चुअली मेरा एतकाद है और भरोसा है ओके इंट्यूशन है क्या मुझे पहनना पड़ेगा नहीं अब आप खुद चूज करें अब आप खुद चूज करेंगे पहले कुछ या राबिया करेंगे नहीं राबिया करेंगी ठीक है राबिया चूज करना चूज चलो ठीक है अच्छा क्या है हां बिग डील स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए यार क्या हो गया चलो ये ट्रेजर बॉक्स से चूज कर लो यार अच्छा जी देखिए इनकी शख्सियत के मयार से भी तो सूट करे ना वो चीज यार ये आज फुल जॉकी मूड में जॉकी नहीं यार ओ यार आप पूछो कि भागे दाढ़ी में इन्होंने कहा था दाढ़ी के बगैर मर्द नहीं लगता ये लो छोटा है हर चीज छोटी क्यों है इधर हर चीज मुझे क्या पता यार ये भी एक कैरेक्टर है यार कैरेक्टर है यार क्या लग रहा लगा है कैरेक्टर वेरी नाइस ठीक है जी अगला सवाल गौर से मुझे भी देखा करें ना सब लोग तक है मैं इसका अपनी अटेंशन चाहिए अच्छा जी मतलब मैं किसी वर्ड पे स्ट्रेस डालता हूं तो हो सकता है वो सही हो यू नो जरा सोचा करें देखा करें ठीक है जी एनरूट मींस वन वे डायरेक्शन ऑन द वे या लॉन्ग डिस्टेंस यार आप भी कोई जवाब दे दे क्विकली बोलें क्विकली बोलो राबे क्विकली ऑन द वे राबे कह रही है ऑन द वे एन रूट टू सही कह रही है अच्छा मेहरबानी सही कह रही है सही कह रही है हां सही कह रही है आप आर यू बोथ श्योर आई एम श्योर दिखाइए सही जवाब दिखाइए On the way, of course. Nice. यार नाम कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? या तो है बस वो मतलब इनको पता था कि इंतजार कर रहे थे कि ये सही देंगे और राबिया जरा गलत दे दे जवाब. He was waiting. देखिए मैं इनका जरा intellectual level देखना चाहती हूँ. So अगला जवाब ये देंगे मैंने. यार challenge कर दिया राबिया ने. चल. भाई अगर वो एक जवाब दे रही है सही. तीन दिए जवाब मैंने. चलो फिर मुबारक हो और जैसे कि मैंने पहले कहा था जवाब ना देना भी जवाब ही होता है जवाब तो मैं जवाब नहीं दे रही चले भाई अगला सवाल दिखाइए विच इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान रोड़ी सखर या चश्मा क्विकली सखर हाँ सही है आपने कहा सखर मोरे गाल सुन आई थिंक रोड़ी या सखर नहीं ऑप्शंस नहीं चल रही है एक बताएं आई नो द आंसर रोड़ी सखर बराज ठीक है व्हाट डू यू से
नहीं बट जवाब है दो, अदनान ने पहले दिया जवाब। नहीं नहीं क्या मतलब, अदनान सिद्दीकी साहब ने पहले दे दिया जवाब। अगर ये अच्छा, अगर गलत हो दोनों गलत हैं, अगर ये सही हुआ तो फिर सिर्फ अदनान ठीक होंगे। अच्छा गलत हैं तो फिर दोनों भी पहले जो यार गेम, यार ये गेम मैंने नहीं बनाई, मैंने इतनी देर से ये जो हाल लगाई पहनी हुई, अगर एक गलत हो अच्छा देख लेते क्या, अदनान ने पहले जवाब दिया तो अगर गलत हुआ तो अदनान कुछ इसमें से पहनेंगे, अगर सही हुआ तब भी अदनान इनको पहनाएंगे। सही है, लाओ दिखाओ जी, आपने कहा था सखर, यूर सही जवाब है यार। अब आया ना ऊट पहाड़, चार चार जवाब सही थी। अदनान की कोई मजेदार चीज ही नहीं, फैंटेसीज अदनान के है। अरे क्या है यार, ये सबसे अच्छी चीज तो इसने निकाल ली। चल भैया डन 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 वाह क्या बात है, क्या कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ। थोड़ी देर देखें, उन्होंने दाढ़ी लगा के रखी है, इतनी देर से क्या आपको क्या मैं, हाँ ये थोड़ी देर लगा के रखना पड़ेगा, भले चेहरे से हटा लीजिए कोई मसला नहीं, मैं आपको नजर आना चाहिए, क्या आप स्क्रीन नजर, वो ये रिश्ता कबूल है। अच्छा जी ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एनिमल हैज नो वोकल वोकल कॉर्ड्स, ज़ेब्रा है, डॉल्फिन है या जिराफ है? आई नो सी, आपने क्या कहा, सी सी कहा है इसलिए मैंने कह दिया भाई, क्या वोकल कॉर्ड्स तो इसके होते हैं, ये करती रहती है भाई जो नहीं होते, हैज नो वोकल कॉर्ड्स, ज़ेब्रा। अच्छा जी सही जवाब दिखाइए क्विकली, क्या है, अदनान सिद्दीकी ने कहा ज़ेब्रा और जिराफ इज द राइट आंसर। मैंने आप रिवाइंड करें मैंने ये कहा था, ये एहसन खान, मैंने जिराफ कहा था, कब कहा था, ज़ेब्रा कहा था, मैंने तो इशारा किया था ना, ये देखो इसमें ये हो गया, चलो भाई नाउ यू नो व्हाई ही इज अदनान सिद्दीकी, उसका तो सही निकला, नहीं मेरा सही है, चलो नहीं गलत नहीं करो, चलो उसका जवाब सही था यार, मेरा सही था, मैंने ये किया ये। अब देखा आपने इंडस्ट्री में सीनियर एक्टर्स क्या करते हैं, टोपी बनाते हैं और क्या करते हैं। क्या हो रहा है यार, अच्छा क्या चूज, राबे एक्साइटेड हो गई, मैं चूज कुछ कर लूं, क्या हो रहा है बस यार ये जर ज्यादा हो जाएगा यार, ऐसा सामान तो मंगवाते हैं ये लो यार, ये देखो क्या क्या सामान नहीं है यार, ईद के हिसाब से मंगवाया हुआ, इतना कूल अदनान जी को ये सूट नहीं करेगा, ये देखो कितना कूल है, देखो इतने जबरदस्त, और क्या मंगवाए यार, ये देखिए क्या चाहिए आपको, क्या चाह रही हैं आप, क्या चाहती हैं आप, ठीक है मैं जी कैन आई, एक चीज बनाओ हम वो तीन चार ले, आई विल चूज, अच्छा फाइन आई विल चूज, आप बैठ जाए ना, आप अपने अच्छा पहनानी नहीं, हेयर हीरो का हेयर स्टाइल खराब नहीं करना, सिर्फ रख दो ऊपर, ये नहीं कर दो यार, ये हमारे हीरो को जरूरत है स्टाइल की या किसी चीज की, अच्छा उसको पूरा तरीका आता है वो पूरा विग, अरे जिन हीरो के अपने बाल हो उनको कोई मसला नहीं। यार कूल कर यार यार, ये बड़ा कूल वॉरियर हेयर स्टाइल, चश्मा लाए मेरा यार, इट्स अ वेरी वॉरियर हेयर स्टाइल, अदनान का चश्मा दीजिए यार, द हेयर स्टाइल इज वेरी लाइक यू नो लाइक अ वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन यू नो, इनको क्या पता ये बालों में क्या राज छिपा, क्या राज, I am the Samson, my delight. Whoa, Samson. ये दीजिए चश्मा. चश्मा लाओ भाई. फरमाइश पे चश्मा आया जी. ये रखिए चश्मा. जो साइड में है. वाह यार वैसे इसमें भी कूल लग रहे हैं यार. इसमें भी ये बंदा कूल लग रहा है यार. ये क्या? अच्छा जी अगला सवाल और मेरी तरफ गौर से देखते रह करें आप लोग.
यीशु उतारा क्यों है? क्या उतारा कैसे? उतारा कैसे हो तुमने? तुम क्या शादी में आई हो? अगले सवाल की जाने बढ़े जी. ठीक है जी, अगला सवाल ये है. लुक एट द स्क्रीन, लुक एट मी. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन सिंध? 26, 28, 30. ऑप्शन सी. दोनों ने तुक्के मारे हैं. नहीं, मेरा तो ख्याल 26 निकले. अदनान सिद्दीकी ने कहा 28, रबे ने कहा 30. कितनी चीजें, 4-5 है मुझे लग रहा है. इस ये पहने ही पहने ये ले जी, दिखाइए जी. असल जवाब है यार, आप इसमें कॉफी कैसे पी रहे हैं यार? ये बता कूल लग रहा है. मतलब कह रहे हैं ये घोड़े पे एक बंदा. डब्बा अशरफी 20 में कबूल है क्योंकि सब कुछ तो उनका ही है, सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक. नहीं, ये पहनना खुद पहनेंगे, अपनी चॉइस से पहन लिया बस उन्होंने. ठीक है ये. यार एक और बीट रुका हूं मैं. बीट बीट यार, वेरी नाइस यार. पहचानते मेरी यार, एक कसम से लग रही कोई और बैठा हुआ. हेलो, अब तो उठा सकती हूँ. सेहरा सेहरा पहन के बैठ गई है यार. यार ये तुक्के इसके अच्छे चल रही है, बता दो. एक मिनट, मेरा दिमाग भाई, मेरा इल्म इल्म इस्तफादा हासिल करो. ठीक है, इस्तफादा हासिल करेंगे इल्म से. अगला सवाल, हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? 4. हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस? कितना सोचोगी? कितना सोचोगी इल्म से इस्तफादा जरा कराओ मुझे. कितना सोचो यार. बोले आप, आपने क्या बोला? मैंने तो 4 बोला. नहीं, 6. ऐसे ना ऑप्शन दोबारा से रिपीट करो. 6. मैं क्यों रिपीट करूं? 6 नहीं है. अब अंदाज सीखे जवाब दे दी. तुम कुछ भी दो. क्यों? एक बार पहले पता तो कर दे. एक बार जवाब तो देखो सही. एक बार सही जवाब तो देख दे. रापे क्या जवाब है यार? मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा. पता नहीं क्या कर रहे हो. 8-4 सही गया. एक मिनट यार, एक से ये बदला. बहुत ये कॉन्फिडेंस का मतलब जवाब ये सही दे रहे होंगे जरूर. दिखाइए जी, सही जवाब है 6. ला 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 ला. चलो बेटा, ये टीवी पे आएगा शो. ये टीवी पे ही आ रहा है, ये ईद का दिन है. चलो चलो मेरी गाय. यार ओके, लुक एट मी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पार्ट ऑफ द आई वेयर इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड. वेरी इजी, रेटिना, लेंस या कॉर्निया? ओके, दिखाइए जी सही जवाब क्या है. मुंह. ए, बिस्मिल्लाह. ऑफ कोर्स रेटिना. हाँ जी, चूज करने क्या क्या पहनाएंगी? हमने पहन लिया है. इधर इधर लाएं. वेरे वेरा क्या कहते हैं? वेरा कूल लग रहे हैं इसमें. कूल नहीं, वो गाय का क्या मेल वर्जन? वेड़ा. वेड़ा, हाँ वेड़ा. वेड़ा क्या? पंजाबी में वेड़ा कहते हैं कि मेल गाय को. नहीं, ये नहीं पहन सकते ना. ये आएगा. क्लासेस पहनी भी. मुझे नहीं दिख रहा ना. अच्छा, ये अच्छा है यार. कोई कूल चीज बनाना. इज लुकिंग सो कूल, डोंट रुइन इट. दिस कैन बी वर्न समवेयर एल्स, मे बी ऑन द आर्म. आई डोंट नो वेयर एवर.
Maybe as a... यार आप नजर नहीं आ रही क्या देख रहे एक्सप्रेशन क्या है कुछ पता नहीं चल रहा ये घंटा आप बजा दे पहना दे आप घंटा पहना दे कोई फर्क नहीं पड़ा दाल सदी को फिर भी कूल लग रहा है यार। यार अच्छा भाई दो सवाल रह गए बड़ा बहुत मुश्किल हो गया आज ये गेम ठीक है जी मेलानोमा द स्किन कैंसर इज कॉज्ड बाय पोका ये नाम भी इतना मुश्किल है यार तभी तो आपको बता मुझे क्या मैं डॉक्टर नो बताओ भाई इज कॉज्ड बाय दो नंबर टू नंबर टू नंबर टू है कुछ भी एसिड रेन ही है ये देखना ओजोन शिगाफ की जो बात हम कर रहे थे ओजोन डिप्लीशन या एलर्जीज तुम बताओ क्या है व्हाट मेरा एलर्जेंस ठीक है ओके एलर्जेंस ओजोन की डिप्लीशन से हो सकता है एसिड रेन से हो सकता है स्किन कैंसर का मेन कॉज क्या यूजुअली नंबर टू है मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा वो नंबर टू ओजोन डिप्लीशन I think it could be B. It could be B. But he gave the answer before you, Rabia. I'm sorry if it's right. Then you're going to wear something. If he's wrong, then he's going to wear it. There's nothing left in the box. There is plenty stuff. Dikhai sahi. Dikha do. Dikha do. Ozone depletion. Hoi, hoi, hoi. Rabia, ye soch liya tha Adnan ne. Zor se rahe ye zaf. अच्छा यार आप लोगों के लिए अब आसानी पैदा करते हैं आखिरी सवाल हम बहुत आसान सा करेंगे जवाब दीजिए लाइट बल्ब राबिया आर यू वॉचिंग लाइट बल्ब एडिसन आई एम एग्जिस्टिंग एडिसन 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 यार ये क्या बात हुई सवाल पूरा भी नहीं हुआ जवाब दिया नहीं दैट्स नॉट फेयर देखो भाई दैट्स नॉट हाउ यू प्ले क्योंकि मैं ज़हीन हूँ तुमसे नहीं ज़हीन नहीं है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है ये हटाओ तेरा वश बल्ले वश बल्ले अच्छा आप ये देखें आपने मुझे ये पहनाया हाँ आपने ये पहनाया हाँ आपने मुझे दाढ़ी पहनाई आप जरा नोट कीजिए मैंने जो जो चीजें चुनी है वो बकरीद के हिसाब से हम अपनी गाय को सेहरा पहनाते हैं ये हार पहनाते हैं ये भी और गले में पट्टा भी डाल दिया चलो ये पहन लो हमारी बकरीद तैयार हो गई है ये यार ये कैरेक्टर में आ गया पता कैरेक्टर हेलो पैर बांधो भाई चलो भाई बस भाई खत्म हो गया सेगमेंट कितनी और चीजें पा देंगे चलो भाई जो खत्म बैकअप नहीं अभी नहीं जनाब एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे थैंक यू वेरी मच गाइस एक ब्रेक लेंगे छोटा सा हमारे साथ रहिए देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान जनाब जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक अदनान सिद्दीकी द सुपरस्टार वी हैव विद अस एंड राबिया बट द गॉर्जियस द अमेजिंग यू नो इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन इन द शो मतलब मेरा दिल कर रहा है अभी चार पांच सेगमेंट और होते लेकिन क्या करें पूरा दिन ही आई था गुजर जाएगा
सही है। अच्छा अब ये क्योंकि आप गिफ्ट्स देते रहते हैं, आप भी गिफ्ट्स किसी ना किसी को इंसान ईद पे तो स्पेशली देता है। अभी कुछ गिफ्ट्स हैं हमारे पास, हमारे आप बड़े प्यारे प्यारे एक्टर्स, उनके नाम लेंगे और आप ये बताएंगे कि ये गिफ्ट किसको और क्यों, कौन से वाला किस एक्टर को जाना चाहिए। ठीक है जी, अगर मैं नाम लूं पहला, अदनान सिद्दीकी, पहला सवाल के पहला नाम ये है कि आप इस बास्केट में से हुमायूं सईद को क्या देना चाहेंगे? अच्छा टॉयलेट रोल, टिश्यू, क्यों? टिश्यू है, टॉयलेट रोल नहीं है। ठीक है, टिश्यू क्यों देना चाहेंगे? यार माशाल्लाह खूबसूरत आदमी है, मैं नहीं चाहता उसके मुंह पे पसीना है हमेशा, वो बार बार पूछता रहे। ठीक है राबिया, इस बास्केट में से आयशा उमर को क्या देना चाहेंगी? नारियल, कोई खास वजह? बिकॉज आयशा उमर इज वेरी मच इनटू ऑर्गेनिक थिंग्स, वो हर खूबसूरत डाइटरी चीजों के अंदर वो होती हैं। बिल्कुल। एंड शी नोज अ लॉट, कोकोनट ऑयल बहुत खाती है वो। ओह अच्छा, जबरदस्त, तो ये बहुत जरूरी है आयशा के लिए। दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। ठीक है जी, अदनान ये बताएं कि आप इसमें से फैसल कुरैशी को क्या देना चाहेंगे? क्या बगैर देखे ये रीजन? फैसल से सवाल करो ना तो कहते हैं कान साफ कर ले। अच्छा हैं? अच्छा हाँ करता है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जी, ये तो हो गया। राबिया, वनीजा हमें तो क्या देना चाहेंगे? वनीजा, हाँ वनी, माइक, because she is into you know hosting etc. oh. so I guess this will etc etc mein mujhe aitraz hai, etc pe elaborate please. I elaborate hosting and singing. Nahi, nahi, she is not into singing. Nah. That's you. Vinika, I guess fashion weeks karwa rahi hai choreography. Oh so achha, achha. mic zaruri hai. Theek hai, yeah, or elaboration. Theek hai, kafi hai. Theek hai, अदनान सिद्दीकी, इसमें हसन शहरयार को क्या देना चाहेंगे? He's always busy on his phone. उसका हमेशा बैटरी बैटरी खत्म। But he's always charged too. Already I He's always charged too. Okay. मुझे काम नहीं मिल रहा उससे। Charged too. राबिया, हमजा अली बासी को क्या देना चाहोगी इसमें से? नहीं है कुछ? अच्छा छुरी, ये क्या? I don't know, ये तो तेज थी, मैं तो बगैर देखे हाथ डाल, हाँ डाल, हाँ ये लग भी सकती है यार, लेकिन वैसे इतनी तेज नहीं। अच्छा आप छुरी देना चाहिए, ये खास बड़ी ईद का तोहफा है उनके लिए, यहाँ गाय ज़बह करें, बकरा ईद आ रही है। जितने महाजों पर वो बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, ये उनका बहुत साथ देगी वहां पर। पते की बात, मार दे, ये पते की बात है, मार दे हम नहीं, या बचे आए अपने आप, सेल्फ डिफेंस के लिए दे दिए ना। यार यू गाइस विल नॉट अंडरस्टैंड। ओके ठीक है, बस हो गया, जो कह दिया सो कह दिया, उसकी डिटेल में नहीं जाना हमने, ऐसा ही है। ठीक है अदनान से देखिए, आप ये बताइए कि उमैमा मलिक को इसमें से क्या देना चाहेंगे? चीनी। चीनी क्यों? उनके घर गया था, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उसमें चीनी नहीं थी। यार उमैमा, ठीक है राबिया, मैं तो हैरान, उनको चाय पिला दी। वाह यार, शिरा मैं तो चाय पीता हूँ इसलिए चाय पिलाई, चीनी के बिना। शिरा मुनव्वर को क्या देना चाहेंगी? क्या है? अच्छा सॉक्स? या ओ, बिकॉज़ आई गेस ही हैज गॉट सच गुड एस्थेटिक सेंस, सो दिस माइट ऐड अप मोर। ऐड अप, ओके, ही वेयर्स ग्रेट गुड क्लोथ्स, है ना, बहुत मजे के कपड़े पहनता है। ठीक है, अच्छा जी, इजाज अस्तम को क्या देना चाहेंगे? ये
यार वो और लेके जाओ तुम टोकरी उस तरफ। इजाजत सब क्या उठ गए। अच्छा जी बगैर देखे, बगैर देखे हो आए। He's recently has started his line. Oh, his own brand. It's a hint for him that you know he may also launch deodorant. Very nice. Why not? Why not? Pakistan mein itni der garmi rehti hai, so deodorants aur roll-ons bade zaruri hain. Theek hai ji. Aage badhte hain. Ye bataiye. Waseem Akram ko isme se kya dena chahenge? Any specific reason? Because I have seen Waseem Akram's many videos जो कि वो beach के ऊपर बनाते हैं या कहते हैं कि इनकी सफाई होनी चाहिए पाकिस्तान में। तो ये उनको suit करेगी फिर वहाँ पे। तो ये सूरत से बचाव के लिए बहुत अच्छी है। गर्मी से बचाएंगे, ठीक है। वो lovely, very nice, ठीक है। शाइस्ता लोधी को क्या देना चाहेंगे इसमें से? हाँ, क्या बात है शाइस्ता, ये देखा नान ने खोल दिया आपको यार। I hope you're watching. आज के दिन का 595 नंबर खोल शाइस्ता के नाम। 595 595 का है। 95 के बाद क्या आता है? 96। ये लो ले लो। और भी कुछ? अरे क्या चीज है, ये लो। ओ बस बस यार बस 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 इतने फूल यार राबिया, इतने फूल तुम्हें किसी नहीं दिए होंगे यार, इतने फूल। क्या बात है, अच्छा गुड आइडिया, आइडिया वाज क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस। ओके कूल, ठीक है जी। अगला आप ये बताइए कि आप मायरा खान को क्या देना चाहेंगे? मायरा हैज प्लेंटी नाइस ग्लासेस, शी लुक्स। वन मोर मायरा खान, glasses for you. Okay जी, आप इसमें से उर्वा को क्या देना चाहेंगे? और सोचिए, आज ही खत्म करना है शो। वजह है आज के लिए। अच्छा ये हमारी स्टार, अच्छा मास देना तो उर्वा इज क्वाइट रिस्पांसिबल, वो तो मास मुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं दे दूंगा कोई बात नहीं। कुछ और के मशवरे से आई थिंक मास्क, ठीक है। या यासिर हुसैन को क्या देना चाहेंगे इसमें से? अच्छा दोनों ने चीजें उठा ली, यासिर मेरी बारी थी, ये नहीं दोनों की बारी थी, उसे कैंची उठा ली और आपने ये उठा ली। अच्छा ये क्यों देंगे आप? ही लव्स कुकिंग, he enjoys cooking. और जिस मैं भी जवाब दूंगी, जिस हिसाब से वो चीजें काटते हैं और जवाब देते हैं या अपनी उनकी माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग ओपिनियन होती है, बिचारे क्वाइट लाइक एट टाइम। वो काट दो मुझे नहीं चाहिए। जो गलत बात है उसे काट दो बस। गलत बात? हाँ, जिस बात से वो एग्री नहीं करता या उनको लगता है कि ये गलत, वो मतलब वो काट देते हैं गलत बात को, काट देते हैं। सही है, जबरदस्त है, वेरी नाइस जनाब। क्या जबरदस्त है, कुछ बच गया, कुछ बच गया, बास्केट बची है। किसी और को देना चाहेंगे ये? आपके अगले शो के लिए नहीं, ये इनके लिए, आप इसमें दोबारा भर के कोई चीजें लाएं। बिल्कुल सही जनाब, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब अदनान सिद्दीकी, ऑनेस्टली इट वॉज एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो, एंड यू नो व्हाट, यू आर एन आइकॉन। एक मिनट मैं आपको ये बताऊं कि आप एक आइकॉन हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, हमारा प्राइड हैं, और हम जितने भी आपके बाद के एक्टर्स हैं ना, वो आपको बहुत तरह से फॉलो करते हैं। सो स्टे लाइक दिस एंड बहुत सी गुड लक, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड कीप शाइनिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच। आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ईद का मौका, कुछ कहना चाहेंगे? बस एंजॉय करें ईद और अपना ख्याल रखिए,
SOPs का भी खास खास ख्याल रखिए, और ख़ास तौर से जो कुर्बानी का जो जानवर आप ज़बह करते हैं उसकी सफाई, जो मोहल्ले में जो गंदगियाँ हो रही हैं उसको बचा के रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राबिया भट, थैंक यू वेरी मच, एंड यू आर अ वंडरफुल पर्सन, आई नो दैट, और आप काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, मे यू ऑलवेज शाइन एंड फ्लरिश, और अच्छा अच्छा काम जो है वो हमें दिखाती रहें। फैंस, बहुत से लोग देखने वाले, चाहने वाले, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू फॉर योर विशेज एंड आमीन। देखने वाले बहुत खुद समझदार हैं, उनको कुछ सुनने की और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी ईद पर मुझे लगता है लोगों को लोग बहुत इन बातों पे गौर करते हैं कि लिटरल मीनिंग क्या है, कि शायद गोश्त ही कहा गया है काटने को, ज़िबह करने को, कुर्बान करने को, जबकि मुझे लगता है कि हमारा जो रब है वो चीज़ें बहुत मेटाफोरिकली कहते हैं अल्लाह ताला, और ईद उल अज़हा पर कुर्बान करने का मतलब चीज़ का ये था कि अपनी मनपसंद शय को कुर्बान किया जाए रब के हजूर, उसको गिव अप किया जाए। खाली गोश्त तो बहुत छोटी चीज है, अगर आप साहबे इस्तात हैं, आप कीजिए, गोश्त जानवर ज़िबह कीजिए और बांटिए, लेकिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है आपकी नियत, और आपकी कोई भी ऐसी बुरी आदत जो आपको लगता है जो मुश्किल थी छुटकारा पाना जिससे, उसको छोड़कर देखिए, और दिस इज व्हाट आई थिंक ही इज गोइंग टू लव मोर देन द मीट इटसेल्फ। ठीक है, सही है, कुछ और बस? हाँ। क्या बात है यार, क्या राबिया ने, क्या मतलब है, राबिया की ताली। ओके सर, आप नहीं, अभी 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 शो खत्म होने के बाद, शो खत्म होने के बाद राबिया आपने रोला, आंखों में आंसू आ गए, देखे नाम से देखी के। जनाब हमारी गपशप तो चलती रहेगी, आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।